हाई रिटर्न वैरायटी क्या है इसके अंदर देखे थे हमसे। अब इसके अंदर है साहब इंटरेस्ट प्रिंसिपल, उसी को डिटेल में समझाया गया है। कल के लिए बोल दो कि सर अभी टाइम लगेगा उसका, ना पेशेंट की बीपी वगैरह लो है तो सर अभी नहीं आ रहे, आराम समझाओ तुम भी क्या सर अभी पेशेंट को दिक्कत है, ठीक है तो कल कर, कल कर कह सर कुछ और एक घंटे डेढ़ घंटा लग जाएगा तो पता है कितना टाइम, ऐसे तो ब्लीडिंग तो कंट्रोल हो गई नहीं, थोड़ा वाइटल्स गड़बड़ है बोल देना, पंजाला सेंटर पर हम कल देखेंगे। इंटरस्पिंस्टिक वैरायटी ऑफ फिस्टुला, ट्रांसपिंस्टिक वैरायटी ऑफ फिस्टुला, सुपरास्पिंस्टिक वैरायटी ऑफ फिस्टुला एंड सुपरा लिबिटर वैरायटी ऑफ फिस्टुला। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है, ये था आपका इंटरस्पिंस्टिक, ये मैंने एक फिगर ऐसे क्यों बनाई आचार्य जी ने, गुरु जी ने हमारे, इसके अंदर प्रोब पहले से ही मोड़ के डालनी है, सीधी डाली तो आप ही जिम्मेदार हैं जो इसको यहां तक जोड़ेंगे, आप ही गलती करेंगे। अगर आपने प्रोब सीधा वाला तो आप ही हैं जो रेक्टल पाउच को फोड़ देंगे। अगर आपने पहले से ही, जैसे मैंने कहा ना, मैं प्रोब डालने से पहले ही मोड़ ली कि हमें इंटरस्पिंस्टिक में ऊपर जाना ही नहीं है, अगर मैं सीधी प्रोब करके डालता तो भाई मैं कुछ भी ताकत लगाता तो फोड़ता फाड़ता तो है ही, तुमने पहले ही क्या किया प्रोब मोड़ ली, अब मोड़ ली तो वो अब सीधी तो हो नहीं पाएगी, अब जाएगी तो घूमेगी तो वो घूम गई आसानी से। असली कला इसमें क्या है, बोलना। और एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट किसने कही है, पीपल आर रिवॉर्डेड इन पब्लिक दोज हु प्रैक्टिस पर्सनली। अगर कोई मैच में सेंचुरी मार रहा है तो आप उसकी सेंचुरी तो देख रहे हैं, उसकी बेचारे की कई महीने की नेट प्रैक्टिस किसने देखी, नहीं देखी। जितनी शानदार नेट प्रैक्टिस होगी उतनी शानदार परफॉर्मेंस होगी, यानी अगर प्रोब मोड़ना आपको खुद नहीं आता स्पंज के अंदर तो इंसान में मोड़ नहीं पाओगे, मुड़ेगी नहीं। और फिर क्या होगा, अगर प्रोब नहीं निकली और प्रोब फंस गई या प्रोब टूट गई, फिर वही होगा जो कल बताया था मैंने, गाड़ी स्टार्ट मकान दुकान शिफ्ट, क्योंकि अगर प्रोब टूट गई तो अब वो बिना एक्सीजन के पूरा खोल के बना निकाले नहीं, निकलेगी नहीं वो, और हो सकता है कोलोस्टमी करनी पड़ जाए, नीचे का रास्ता पूरा काटना पड़ जाए और कोलोस्टमी बैग लगानी पड़ जाए, यू डोंट नो, क्योंकि अगर वो पूरा घुस गया अंदर डीप तो प्रभु उतना गड्ढा करना पड़ेगा और उतने गड्ढे में पक्का रेक्टल पाउच एनल कैनाल कट जाएगी। इसलिए प्रो पहले ही मोड़ के डालनी है, इस बात का ध्यान रखें आप। अगला क्या कहा, ट्रांसपिस्टिक, इसमें पहली प्रोब बना लीजिए कि भाई साहब ये थोड़ी लंबी मुड़ेगी, क्योंकि जितनी दूर से है, अब पानी की एक क्वालिटी है ना, पानी आप यहां से डालो तो यहां डलेगा, दो मंजिल से डालो तो वही हाइट यही रखो, मतलब सर के ऊपर पॉइंट पानी का गिरने का यही है, लेकिन जनाब वो वहां गिरेगा क्योंकि प्रोजेक्टाइल हो जाता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। इसीलिए अगर जितना डीप है उतना ही दूर अंदर खुल जाएगा, यानी एनल वर्ग से जितना दूर है प्रोब उतनी गोलाकार मोड़नी पड़ेगी, ठीक साहब, क्लियर। नेक्स्ट है सुपरास्पिंस्टिक वैरायटी ऑफ फिस्टुला, इसमें प्रोब यहां तक आती है, इसके बाद उंगली से मोड़ के निकालनी पड़ती है, इसमें रास्ता बनता नहीं है, उंगली से अंदर प्रोब मोड़नी पड़ती है, बाहर से अंगूठे से प्रेशर लगाते हैं और उंगली से प्रोब मोड़ते तब मोड़ती है, ये सबसे टेढ़ी खीर होती है, ये डिफिकल्ट नहीं बहुत डिफिकल्ट है। अगर मैं भी सर्जरी करता हूं तो मान के चलिए मुझे प्रोब निकालने में कम से कम 25 मिनट से आधे घंटे का टाइम लगता है डाल के निकालने में, क्योंकि प्रोब अंदर जाके मोड़नी है, अंदर तो ये ऐसे तो प्रोब जाएगी नहीं, आप प्रोब डाल दोगे फिर आपको ऐसे करके बैंड करनी है, यानी प्रोब आप ऐसे तो डाल सकते हो, ये यहां लाके उंगली से बैंड करनी है, ये बैंडिंग करनी होती है, ये उंगली से बैंड होती है और कोई मेथड नहीं है, हैंडफुल स्किल है, करत अभ्यास से ही आएगी, ऐसे नहीं आएगी। गुड साल रूल अभी आपको अच्छे से मैंने बता दिया, अब आते हैं साहब पहचानते कैसे हैं, हाउ यू आइडेंटिफाई इंटरनल ओपनिंग। नॉट इनफ्रीक्वेंटली एन इंटरनल ओपनिंग कैन बी फेल्ट एज अ नोड्यूल ऑन द वॉल ऑफ एनल कैनाल, इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ एक्सटर्नल ओपनिंग देयर इज ऑलमोस्ट इनवेरली ओनली वन इंटरनल ओपनिंग। प्रोक्टोस्कोपी समटाइम विल रिवील इंटरनल ओपनिंग ऑफ द फिस्टुला।
A hypertrophic patella is suggested that the internal opening lies within the crypt related to the patella. Probing is painful, liable to reawaken dormant infection. If patient experiencing pain makes a sudden jerk, a false passage may result. Probing should be postponed until the patient is under anesthesia. सर अगर मैं जब प्रोबिंग कर रहा था सडन जर्क लग जाता है इसको इस पेशेंट को तो मैंने ही फॉल्स टैग बनाया। एक होता है सर पेन और एक होता है अनबियरेबल पेन। एक है पेन और एक है अनबियरेबल पेन। ये तड़प जाए कूद जाए एकदम तड़प जाए तो आपने फॉल्स टैग बना दिया। आप कुछ भी करोगे एक होता है पेन एक होता सेंसेशन ऑफ पेन। कुछ भी आप छेड़ो तो थोड़ा बहुत तो सेंसरीज है ब्रेन को कमांड देंगी देंगी। उसके मन में एक फियर है कि मुझे दर्द होगा ही होगा जो आपसे माइनर ओटी में बात कर रहा था यानी उसको पहले से पता था कि मेरे को पेन होगा तो अब वो पेन नहीं भी होगा तो भी पेन होगा पॉइंट वन। लेकिन अगर वो उसको सडन जर लगता वो कूद पड़ता मतलब कूला कूद पड़ता प्रोब डालते वक्त तो नॉर्मल म्यूकोसा को आपने पियर्स किया ये पहचान है। अगर नॉर्मल मिकोजा को कभी भी आपकी प्रोब ने पियर्स किया छेद किया तो जर्क मारेगी जर्किंग आएगी जर्क जर्क ऐसे जर्क आएगा पुला जर्क मारेगा तो जर्क नहीं मारा ठीक है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फॉल्स पैसिव बना रहे हो। पेशेंट अगर कोऑपरेट नहीं कर रहा तो भी फॉल्स ट्रैक बनेगा क्योंकि तो वो प्रोबिंग करने नहीं देगा। इसीलिए इसी पेशेंट में हमने पहली बार प्रोब डाला तो प्रोब नहीं गई हमने कहा छोड़ दो इसे इसे दो चार पांच दस दिन एक महीना डेढ़ महीना केवल ऑयल डालो रास्ते को खुलने दो। जब प्रोब जाने का रास्ता बनेगा तब बनाएंगे जबरदस्ती नहीं बनाएंगे क्योंकि जबरदस्ती फॉल्स ही बनता सही नहीं बनता। अब आपने फिस्टलोग्राफी कराई चाहे वो एमआरआई हो चाहे एक्सरे हो यह रिकरेंट फिस्टुला में काम करती है मल्टीपल ओपनिंग में काम करती है हाइलर फिस्टुला पे काम करती है फिस्टुला ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन पे काम करती है रेमिफिकेशन ऑफ फिस्टुला आर सस्पेक्टेड हॉर्स शू शेप फिस्टुला देन ओरिजिन ऑफ द फिस्टुला लाइज एल्सवेयर